पिछले एक दो दिन से जो पुंछ बफलिया से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं, तकलीफ देह हैं। पहले वहाँ 5 आर्मी के जवान जो हैं जहाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में, और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहाँ से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है, हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए पर जितने भी मारे गए हैं वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, आज राजौरी पुंछ में पिछले 3 साल से आपने देखा जवान से लेके मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो या उससे भी ऊंचा कोई अफसर हो, वो जहां भाग हुए हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी की जो सरकार की, अगर किसी और सरकार में ये होता तो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो इस वक्त अब उस वक्त की सरकार से ये सवाल पूछता कि ये क्यों हुआ, कि ये कैसा कैसा खुशहाल कश्मीर है, ये कैसा नया कश्मीर है जहां पर ना तो आपका आर्मी वाला ही सुरक्षित है और ना यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, इतना उसको जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतने दिलदोज हादसात हो रहे हैं, और ऊपर से ये डंडोरा पीटते हैं या सब ठीक ठीक ठाक है। तब तक आप इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि शायद ये आदत सी पड़ गई है हमारी कि हम डिमांड करते हैं ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी, बाद में उसका कोई खास नतीजा तो होता नहीं। एक ही इंक्वायरी हुई थी अमशीपुरा की, उसमें भी आप सज़ा पलट दी हमारे सिविल कोर्ट ने, आर्मी कोर्ट की जो रूलिंग थी। तो हम ये कहेंगे, उनसे ये कहेंगे कि कम से कम जब तक इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक ये जो 3 गरीब नौजवान, उसमें एक सबसे बड़ा 40 साल का था, बाकी तो कम उम्र के हैं, उनको 50-50 लाख रुपए उनके घर वालों, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ जो लोग अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इलाज, और कम से कम उनमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, मगर जो लोग बच जाते हैं कम से कम उनको भी 5-5 लाख रुपए बागुजार होना चाहिए, ताकि आगे से ये एक मैसेज चला जाए। अगर आप सजा नहीं दे सकते हैं जो इसमें जुर्म करते हैं, जो आर्मी के साथ हुआ उसको हम कंडेम, सबने कंडेम किया, कौन है जिसमें उसको कंडेम नहीं करेगा। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है उसकी बात करें, तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। पार्टी यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बाहर आई है, लेकिन आपने देखा कि गेट बंद किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो आपने हाल ही में देखा होगा कि राजौरी में जो इनोसेंट किलिंग्स हो गई है, हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स आ गए हैं हमारे यहाँ बॉर्डर पर, लेकिन हम उस चीज़ को इंतहाई कंडम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो सिविलियन हैं वो मर जाएंगे या जान बैक हो जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका एक पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, एक थॉरो प्रोब हो, जो ये सिविलियन मर गए हैं। आप वहाँ ये भी देख रहे हैं कि राजौरी में इस वक्त जो टेलीफोन लाइन, नेटवर्क लाइन सारी बंद किए गए हैं, लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं आप देख रहे हैं, इस चीज को सब को हम कंडम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी भुगतना पड़ा, हमारे सैनिकों को मारे गए,
नहीं, उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये हमारे कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको ये करना चाहिए, इसमें कोई देर नहीं लगानी चाहिए। अगर वाकई वो सिंसियर है हालात ठीक करने में, यहाँ हालात को मजीद इस्तेकामत लाने के लिए, उनको इस पर इन्क्वायरी करनी चाहिए ताकि लोगों में जो शुबात है वो दूर हो जाए। नहीं तो लोगों के जो जज्बात उभारे गए हैं वो हक वो जान लें। उसको खंडन किया कि उस उमर साहब ने कह दिया उस वक्त कि जब एक मेयार है तो यहाँ दूसरा मेयार है, वहाँ आप उसको एक दिन में जमानत देते हो उस अफसर को जिसको इन्वॉल्व किया गया, जिसको इन्होंने माना कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है।